क्यों जाऊं? ये गरीब है, किसी तरीके से परवरिश करती है अपने बाल और बच्चों का, परवरिश कर रहे हैं। हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम कोर्ट में जा करके लड़ेंगे। आपका नाम? बालास्वामी। आज कितने दिन हो गए आपको यहाँ धरना देते हुए? आज 11वां दिन है। कुछ प्रशासन कार्यवाही कर रही है? प्रशासन कोई यहाँ पूछने तक नहीं आता है। पूरा मामला पहले बताइए कि क्या फिर क्या मांगे हैं? मांग हमारा यही है कि वहाँ मोदी जी का आवास बना है 323 नंबर पर, यही ना है 323 नंबर पर। कहाँ का मामला? ग्राम छतरीपुर, शिवपुर, वाराणसी। और हमारी मांग है कि उस बंजर भूमि को आबादी घोषित किया जाए, उस पे आवास बन चुके हैं, हम चार पीढ़ी से वहाँ आबाद चले आ रहे हैं, बाप दादा आजा परवाजा सभी लोग जो हैं उस पे रहते थे, तो आज हम भी रहे हैं। आज मोदी सरकार जी ने उनके नाम का आवास भी वहाँ 40 के करीब करीब बन चुका है। तो आप बताइए कि इधर कर अधीक्षक महोदय जो हैं वो हमको नोटिस देते हैं। नोटिस कब दिया गया है? कब नोटिस दिया भैया? नोटिस दिखाओ। 9/3 को दिया गया था, फिर 22 का। हाँ, 9 क्या लिखा है नोटिस में? लिखा है कि ये जो है बंजर भूमि है, आप ये मकान नंबर निरस्त किया जाएगा, खाली कराने के लिए कहा गया है। हाँ जी, दोबारा जो है दिया गया कि आपका मकान नंबर निरस्त किया। कितना दिन हो गया नोटिस? करीब 15 दिन हो गया कि ज्यादा हो गया। खाली कराने का कितना समय मिला है? वो तो 15 दिन के दिए थे, आज 11वां दिन हम धरने पर बैठे हैं। लगता है कि 15 दिन पे वो अपना कार्य रोक करके आपकी बातों को मान लेंगे? लगता तो है, लेकिन हमको विश्वास नहीं है, क्योंकि उनके तंत्र मंत्र जो लगे हुए हैं, जो लोग उनके पीछे लगे हुए हैं, वो षड्यंत्रकारियों के चक्कर में बैठ कर के चंद सिक्कों के लिए वो ऐसा कर रही है। कहा जा रहा है कुछ दिनों में लॉकडाउन लगने वाला है। लॉकडाउन इस दौरान आपकी बातों को सुन लिया जाएगा उससे पहले? हम समझते हैं कि अगर सुन लिया जाए तो अच्छी बात है, अरे हम बैठे रहेंगे, हमें क्या हुआ। देश में कोविड गाइडलाइंस चल रही है, इकट्ठा नहीं होना, और आप लोग धरना कर रहे हैं, ठीक लगता है आपकी बात सुनी जाएगी इस कंडीशन में? अरे भाई, हमारे अधिकारी आवे, हमें आश्वासन दे दें, हमें ये लिखित आश्वासन देगी। हम लेटर दिया जिलाधिकारी को? जी, सबको दिया है, प्रधानमंत्री जो को भी दे दिया हूँ। कब दिया है? हम 31 को यहाँ DM साहब को दिए थे, और फिर बाद में बैठा हूँ तब दिए, तब बोल रहे हैं कुछ बोले होंगे, आश्वासन कुछ मिला होगा? आश्वासन यही है, उनको लिख करके भेज दिए थे नगर आयुक्त। क्या वहाँ से जवाब आया? वहाँ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। दोबारा गए जिलाधिकारी के पास? तब तक छुट्टी चल रहा है, वहाँ है ही नहीं है कार्यालय पर। सुन रहा हूँ कि उनको भी कोरोना हो गया है। आज तो सर्किट हाउस में उनकी बैठक है। अच्छा अच्छा, देखेंगे, जाएंगे हम तो उनसे कहेंगे, पत्र देंगे उनको। मांग पूरी नहीं तो क्या करेंगे? हम धरना पर ही बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं। अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है हमारा। हो सकता है कि यहाँ पे सख्ती भी लगाई जा सके? सख्ती लगाई जाएगी, बहुत करेंगे, जेल ले चलेंगे, यही ना करेंगे, मुझे कोई एतराज नहीं।